अब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगी, बाकी फिर आप करेंगे, है ना। तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके के हैं जैसा पहला है, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन will be equal to velocity itself. मैक्सिमम अनसर्टेनिटी वेलोसिटी के बराबर होगी, तो डेल्टा पी मैक्सिमम इक्वल टू 3 × 10⁷ मिनिमम मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर डेल्टा पी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मास इनटू डेल्टा वी मैक्सिमम, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग मैम, ये पी मिनिमम नहीं होगा? मैक्सिमम होगा ना, वेलोसिटी में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है तो मोमेंटम में भी तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी, ओके मैम, ठीक है। है ना, इक्वल है ना ये तो दोनों, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन वो क्या होता है हमारा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। तो अब पी मैक्सिमम है तो यानी कि हम पोजीशन की स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं, और वैसे भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट ही पूछा था। डेल्टा एक्स मिनिमम इंटू डेल्टा पी मैक्सिमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। Therefore, for smallest possible uncertainty in position of electron, delta एक्स मिनिमम डेल्टा एक्स मिनिमम इक्वल टू क्या लिखेंगे, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी मैक्सिमम। वैल्यूज पुट करिए, आंसर आ जाएगा 6.62 × 10⁻³⁴ अपॉन 3.14 इंटू पी की जगह एम वी, और एम चाहे तो आप यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते थे। एम होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के केस में 9.1 × 10⁻³। वेलोसिटी 3 × 10⁷। यहाँ से आपका डेल्टा एक्स मिनिमम आ जाएगा। मैम 1.94 × 10⁻¹⁶। 16 तो नहीं आ रहा है, देखिए एक दो पावर इधर उधर कर दिए आपने। एक मिनट मैम, 1.9 तो ठीक है, आपका पावर में गड़बड़ कर रहे हैं। 10 आएगा मैम? हाँ ठीक है, मैम पावर में टेन 10 आएगा। आए यस टेन मैम, आएगा तब जब आप ये यस मैम, लिखेंगे 0.0193 × 10⁻¹० मीटर, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 0.0193 एंगस्ट्रॉम। चलिए, तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। तो वो मैं नहीं कराऊंगी, आप मुझे उसके आंसर बताइएगा। चलिए तो फिर ये क्वेश्चन करिए, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ डस्ट पार्टिकल विद मास ऑफ इक्वल टू 1.0 mg इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 5.5 × 10⁻²० मीटर पर सेकेंड।
तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल दिया है तो डस्ट पार्टिकल का मास दे दिया, इलेक्ट्रॉन दिया था तो उसका मास नहीं दिया था, वो हमें पता होता है। तो मुझे बताइए अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ कुछ भी, है ना। मुझे डायरेक्ट आप मुझे डेल्टा एक्स की वैल्यू बताइए, तो इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है मैम, 0.095 आर्मस्ट्रांग। 0.0 9 5 angstrom 9.58 × 10⁻¹⁶ ये आ रहा होगा, है ना। इसने इसको लिखा है 0.095 angstrom। देखिए सबका ये आ रहा है क्या? यस मैम, सही है। यस मैम, चलिए। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सेम, ये भी उसी तरीके का है, बट ये एक्यूरेसी वाला है और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सिर्फ ये वेलोसिटी और ये एक्यूरेसी वर्ड चेंज हो जाता है कि कितनी एक्यूरेसी है ना। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मेजर टू बी 5.0 × 10³ मीटर पर सेकेंड टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.003। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या है, ये वैल्यूज चेंज होंगी, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं वेलोसिटी में, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी उसको मैक्सिमम अनसर्टेनिटी मान के हम सॉल्व कर रहे थे, ले रहे थे, है ना, जब ये एक्यूरेसी वाला वर्ड ही आया था। लेकिन जब एक्यूरेसी वर्ड इसके साथ ऐड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसकी अनसर्टेनिटी को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहले वेलोसिटी लिखते हैं, फिर जो एक्यूरेसी लिखी है उसको लिखते हैं अपॉन 100। तो जो भी यहाँ से आंसर आया आपका मीटर पर सेकंड में, वो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ गया। बाकी करने का तरीका सेम भैया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π और डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, ये एक्यूरेसी की वजह से यहाँ से ये थोड़ा चेंज हो जाता है। गिवन डेल्टा वी इक्वल टू 5 × 10³ × 0.003 अपॉन 100, ठीक है। परसेंटेज को चेंज कर दिया और यहाँ से वी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सेम भाई फ्रॉम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π और डेल्टा एक्स पी की जगह एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π और डेल्टा एक्स इक्वल टू अनसर्टेनिटी लेंगे 4π एम डेल्टा वी, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ज्यादातर इलेक्ट्रॉन के लिए ही आता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता ही होता है, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए भी होगा तो भी आपको मास पता होगा, है ना, अल्फा पार्टिकल होगा तो भी। डेल्टा भी आ रहा है 0.15 मीटर पर सेकंड। हाँ 0.15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर पर सेकेंड वैल्यू रखिए, डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर दीजिए। एंड 3.84 × 10⁻⁴, ठीक है। 3 point सबका यही आ रहा होगा, 3.84 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए, एन इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड टू अ बॉक्स ऑफ लेंथ 1.1 × 10⁻⁸ मीटर, कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो यहाँ x दिया है डेल्टा x और v पूछा है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही है, बाकी इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। तो डेल्टा x दिया है, डेल्टा x बॉक्स के अंदर है, तो डेल्टा x मैक्सिमम गिवन है, तो 1.1 × 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछी है, तो डेल्टा v मिनिमम पूछा है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π वाला ही फॉर्मूला यूज होना है। तो ये मैक्सिमम है, यानी कि ये मिनिमम अनसर्टेनिटी होगी, तो डेल्टा पी की जगह हम एम वी रख सकते हैं और हमें डेल्टा वी मिनिमम पूछा है, ठीक है, इक्वल टू एच अपॉन 4π एम डेल्टा एक्स।
तो इस रिलेशन से डेल्टा बी मिनिमम आ जाएगा 6.62 × 10⁻³⁴ 4 × 3.14 × m इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻³⁶ और डेल्टा एक्स दिया है 1.1 × 10⁻⁸ तो डेल्टा बी मिनिमम आ जाएगा आपका 0.052 × 10⁵ 0.0 यस मैम यस मैम 0.0526 × 10⁵ 0.05 ठीक है तो ये आपका ठीक है वो तो 26 5.2 × 10�³ एम 5.2 × 10�³ मीटर पर सेकंड हां नहीं नहीं ठीक है वो 0 पॉइंट जो करके बोल रहा है उसकी भी ठीक है 0.05 भी वही आता है ना तो 10⁻³ मीटर पर सेकंड तो सबका आंसर ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुज लाइफ टाइम इज 10⁻⁸ सेकंड तो इसमें आप थोड़ा सा ब्रेन यूज करिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और कैसे अनसर्टेनिटी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी में ठीक है व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हुज लाइफ टाइम इज अबाउट 10⁻⁸ सेकंड Delta E into delta T is greater than equal to H upon 4 pi. ठीक है फोटोन के लिए फॉर फोटोन इक्वल टू होता है एच न्यू तो अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो डेल्टा ई इक्वल टू एच डेल्टा न्यू ये वैल्यू रख सकते हैं ठीक है देयरफॉर यहाँ पे इसमें वैल्यू रख देंगे एच डेल्टा न्यू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हमें डेल्टा न्यू कैलकुलेट करना है एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो न्यू इक्वल टू 1/4 pi डेल्टा टी और अनसर्टेनिटी पूछ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन लेके चल सकते हैं यहाँ पे ऐसे ठीक है डेल्टा न्यू इक्वल टू 1/4 3.14 डेल्टा टी 10⁻⁸ सेकेंड तो इसको कैलकुलेट करोगे तो पावर तो पता लग ही रही है ज्यादा होगी तो ये आता है 8 × 10⁶ सेकेंड इनवर्स देखिए सबका यही आ रहा था मैम मेरा 7.9 × 10⁶ आया है कोई दिक्कत नहीं है 7.9 वो राउंड ऑफ करने के ऊपर है ना हाइड्रोजन एटम सेज हैज रेडियस ऑफ 0.5 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन टू बी कन्फाइंड टू एन एटम तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड है उसकी और उसका रेडियस दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम करना स्टार्ट करिए इसे चलिए देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्योंकि ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा है ठीक है और कन्फाइंड बाय एटम की बात कर रहा है तो डेल्टा एक्स कितना रखा है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये होता है एच अपॉन 4 पाई तो अगर याद हो जब मैंने एप्लीकेशन कराई थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तो जब हम एटम के अंदर कन्फाइंड करने की बात करते हैं तो इसको डायमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं डेल्टा पी कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम तो डेल्टा पी मिनिमम इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई और डेल्टा पी मिनिमम हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स मैक्सिमम तो यहां से आपका मोमेंटम आ जाएगा तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन मैम वो डेल्टा एक्स है ना नीचे 4 पाई के साथ हाँ डेल्टा एक्स मैक्सिमम
ठीक है, तो डेल्टा पी मिनिमम 18 × 10²⁻²⁺ तो ये हमारा इसका कैलकुलेट होके आ रहा है 1.51 × 10⁻¹⁹ जूल। देखिए एक बार, तो ये आ रहा है 5.25 × 10⁻²⁵ आ रहा है मेरा। यस मैम, यही यार। ठीक है, तो फिर इसके है ना, अभी ये आ रहा है, तो फिर मतलब यहाँ से किसकी वैल्यू है, ये हमारे इसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू है ये, है ना। पी मिनिमम आ रहा है 5.25 × 10⁻²⁵ केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका स्क्वायर करिए और 2m से आंसर स्क्वायर करते हैं और डिवाइड बाय, हमें करना है 2 × 9.1 × 10⁻³⁻³। तो ये आ रहा है 1.52, मेरा जो आ रहा है 1.52 × 10⁻⁹।